अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो आपने अमेज़न के बारे में सुना ही होगा। अमेज़न सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बल्कि दुनिया के टॉप टेक जायंट्स में से एक है। 2024 के स्टार्टिंग में अमेज़न की हायरिंग थोड़ी स्लो थी, लेकिन एंड तक आते आते जितनी भी हमारी मैन कंपनीज हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा हायरिंग अमेज़न ने करी थी, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। एंड 2025 के स्टार्टिंग में अभी भी उनके पोर्टल पे SD1 प्रोफाइल के लिए ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आपको अमेज़न ज्वाइन करना है तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि अमेज़न हायर किस बेसिस पे करता है, आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्क एक्सपीरियंस वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, एंड कितना ऑफर करती है कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। वी विल ऑल्सो नो कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद करियर ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है। तो हम लोग सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग एंड तक बने रहना एंड डू गिव इट अ लाइक बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेज़न का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल है SDE1, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1, एंड बहुत सारे फ्रेशर्स इस रोल में अमेज़न ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर जो आपको CTC मिल जाता है दैट इज़ 48 LPA, बट इसमें 4 साल के स्टॉक्स होते हैं जिसका ब्रेकडाउन अभी हम लोग देखेंगे, एंड 1 साल में लगभग आपको 28 LPA मिल जाता है। लेट्स सी द ब्रेकडाउन। अमेज़न ऑफर करता है बेस सैलरी ऑफ 19.2 लैक्स, साइन ऑन बोनस फॉर द फर्स्ट ईयर इज 6.5 लैक्स, साइन ऑन बोनस फॉर द सेकेंड ईयर इज 5 लैक्स, स्टॉक्स होते हैं लगभग 15.5 लाख के वेस्टेड ओवर 4 इयर्स, जिसमें से 5% वेस्ट होंगे फर्स्ट ईयर में, 15% वेस्ट होंगे सेकेंड ईयर में, 40% वेस्ट होंगे थर्ड ईयर में, एंड 40% वेस्ट होंगे फोर्थ ईयर में। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि रिलोकेशन वगैरह मिल जाता है आपको 1.5 LPA, एंड 1 ईयर का टोटल कंपनसेशन बनता है 28 लैक्स। अब ये तो होगी प्रोफाइल उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग पसंद है। मान लो आपको कोडिंग नहीं पसंद है, क्या आपके लिए अमेज़न के पास कोई प्रोफाइल है? तो यस, Amazon also hires freshers for business analyst, एंड बहुत सारे BTech के स्टूडेंट्स, MCA के स्टूडेंट्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी Amazon ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, योर एनालिटिकल स्किल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड इसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी एक और वीडियो में बात कर रखी है जहाँ पर मैंने डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोफाइल्स की बात की हुई है, जिसकी लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर के देख सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। बिजनेस एनालिस्ट में आपको पैकेज जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू आपका SDE1 रोल। यहाँ पर आपको 30 LPA मिलेगा जिसमें 4 साल के स्टॉक्स भी इंक्लूडेड है। सो लेट्स सी द ब्रेकडाउन। यहाँ पर आपको बेस सैलरी मिलेगी 14,39,800 की, साइन ऑन बोनस फॉर द फर्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा 3,55,000 का, साइन ऑन बोनस फॉर द सेकंड ईयर इज आल्सो 3,55,000, RSUs आपको मिल जाएंगे 9,43,000 के वेस्टेड ओवर 4 इयर्स, रिलोकेशन बोनस मिल जाएगा आपको 1.5 लाख का। तो 1 साल का जो आपका कंपनसेशन है ये पड़ेगा लगभग 18.5 लाख। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न की करियर ट्रेजेक्ट्री की। तो अमेज़न के अंदर जो भी प्रमोशंस होते हैं वो काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके वर्क एक्सपीरियंस पे नहीं बल्कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं अमेज़न के कॉर्पोरेट लैडर पे। आप लोग स्टार्ट करते हैं एज एन SDE1, जहाँ आप फाउंडेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हो। टिपिकली 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा तो आपको SDE2 पे प्रमोट कर दिया जाता है, जहाँ आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एंड एंड टू एंड ओनरशिप भी लेते हो। अगला स्टेप आता है SDE3, जहाँ पर आप लार्ज स्केल आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो और क्रॉस टीम कोलैबोरेशंस को लीड करते हो। यहाँ से आगे आपके पास 2 ट्रैक हो जाते हैं, या तो आप कोडिंग करते रहो एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, या फिर आप एक इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाओ एंड बाकी लोगों को मैनेज करो। अगर बात करें ईयरली हाइक्स की विदाउट प्रमोशन, तो अमेज़न काफी ज्यादा कंपैरेटिव हाइक्स देता है फ्रॉम 10-15% पर ईयर। अगर प्रमोशंस की बात करें, अगर आपका डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम SD1 टू SD2 और SD2 टू SD3, तो यहाँ पर आपका जो बेस सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है एंड आपको स्टॉक रिफ्रेशर्स भी मिलते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉस कोडर अकेडमी के बारे में। अगर आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहते हैं बट अपने बिजी शेड्यूल की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉस कोडर आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। बॉस कोडर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिसमें ओवरऑल टॉपिक्स कवर होते हैं, और इसके साथ रेगुलर 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है, क्योंकि हर किसी के करियर गोल्स एंड नॉलेज अलग अलग हो सकती है, तो गाइडेंस भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको डेवलपमेंट तो सिखाई ही जाएगी बट इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी होंगे एंड रिज्यूमे बिल्डिंग भी कराया जाएगा, सो दैट आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ सके। बिकॉज ये प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो क्लासेस की टाइमिंग भी काफी कन्वीनियंट है, एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आप एक पीयर कम्युनिटी का भी पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लर्नर्स हैं विद सिमिलर बैकग्राउंड, जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस्ड हैं। अपनी अपस्किलिंग की जर्नी में अब देर मत कीजिए, चेक आउट बॉस कोडर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सैलरी की बात तो कर ली, अब अमेज़न के कुछ कंपनी पर्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिलता है। अमेज़न के ऑफिसेज की वाइब भी अलग है। स्टेट ऑफ आर्क वर्क स्टेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज को डुअल मॉनिटर, एर्गोनॉमिक चेयर और भी कई फैसिलिटीज मिलती हैं।
It is also interesting to note that Amazon ka jo Hyderabad ka office hai, that is Amazon's largest campus in the world. Har office mein dedicated relaxation zones, pantries and wellness rooms hote hain. Cafeteria mein healthy and tasty snacks options bhi milte hain. But yahan par Google ki tarah sab kuch free nahi hota, yahan par aapko thoda sa drawback milega. But jitne bhi snacks wagaira hote hain, wo sab subsidized hote hain, kafi kam rate pe aapko mil jate hain. Ek cheez jo mujhe bahut interesting aur unique lagti hai, wo hai Amazon ka ek program. Dogs at work, जहाँ पर वर्ल्ड के कुछ लोकेशंस में employees can bring their dogs to the offices. Amazon अपने employees को काफी सारे gifts and gadgets भी देता है. Employees को अच्छा खासा discount मिलता है on Amazon devices जैसे कि Alexa, Kindle और Fire TV. Prime membership के benefits भी दिए जाते हैं and on special occasions जैसे कि work anniversary, birthday या फिर आपने कुछ अचीव किया हो तो उस पर आपको personalized gift भी मिलते हैं. साथ ही ये quarterly team trips and parties को मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है Amazon में. Gadgets की अगर बात करें तो latest work laptops of your choice and high-end gadgets मिलते हैं. Amazon ensure करता है कि आपके पास best hardware and software capability हो ताकि आप अपना काम efficiently कर सकें. अब ये सब तो ठीक है, लेकिन Amazon wellness and fitness के लिए क्या क्या करता है? Amazon के fitness और wellness program काफी impressive हैं. Employees को gym membership में discount और reimbursement मिलते हैं. Wellness challenges और events regularly organized होते हैं जो आपको active रहने के लिए motivate करते हैं. On-site wellness centers में yoga और meditation sessions भी available हैं. Mental health को ध्यान में रखते हुए Amazon confidential counseling services और mental health program भी offer करता है. And just like other companies, Amazon में आपको regular hikes, insurance, leaves and shuttle services जैसे और भी बहुत सारे perks मिल जाते हैं. चलिए अब देखते हैं कि Amazon के employees ने Amazon को ratings क्या दिए हैं out of 5. And ये जो ratings हैं ये according to the ambition box हैं. Job security में Amazon को मिले हैं 3.8 out of 5. Work life balance में 3.9 out of 5. Company's culture में 4.2 out of 5. Skill and self growth में 3.8 out of 5. And salary and promotions में 3.8 out of 5. अब अगर आपने मेरी last दो videos देखी हैं जो मैंने Google and TCS पे बनाई हैं on similar lines, तो हो सकता है आपको ये rating थोड़ी कम लगे, but there are several factors which explains कि ये ratings कम क्यों हैं. अब ये चीज़ मैंने एक Amazon के VP से सुनी थी कि Amazon is consumer first company, मतलब consumer को ध्यान पे रख के सारे decisions लिए जाते हैं. You can consider it like this कि अगर कोई भी एक discussion हो रहा है, उसमें there is a seat for consumer and उसको ध्यान में रख के सारे decisions लिए जाते हैं. Whereas companies like Google, they are employee first. यहाँ पर employees का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है. And reason इसका ये है simple सा कि Amazon में जो margins हैं, profit margins हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही insignificant से होते हैं. They need to work upon scale. It's a very fast-paced company. तो इसीलिए यहाँ का जो culture है, लोगों को थोड़ा सा tough लगता है. And there's also a concept of PIP, which is performance improvement plan. तो अगर कोई भी employee कुछ क्वार्टर्स तक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डाल दिया जाता है. एंड बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि पीआईपी में एक बार चले गए तो यहाँ से फिर कंपनी से बाहर ही जाएंगे. तो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर जिसके अंडर में एम्प्लॉयज काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं. इस वजह से अंदर का जो एनवायरमेंट है वो और भी ज्यादा कंपेरेटिव हो जाता है. बाकी एम्प्लॉयज को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है टू गेट दोज हाइक्स, टू गेट दोज प्रमोशंस. इसीलिए काफी लोगों का मानना है कि अमेजोन के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. बट यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज ये भी मिलती है कि इफ यू ज्वाइन अमेजोन एज अ फ्रेशर, तो आपके रिज्यूमे में एक बार अमेजोन का थप्पा आ गया, दैट मीन्स आपके बहुत जगह डोर्स ओपन हो जाते हैं. आप एक ऐसी कंपनी में काम करके आ चुके हो विच इज कंज्यूमर फर्स्ट, जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं होता. यू नो हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर. तो इसीलिए ये आपके गेट्स ओपन कर देता है फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज. एक और चीज़ भी है, अब यहाँ पर रिटर्न टू ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट भी लागू हो गया है. पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई थी वर्क फ्रॉम होम करने की जब से कोविड आया था. अब दोबारा से कंपनीज बुला रही हैं वापस ऑफिसेज में एंड 5 days अ वीक वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया गया है. दैट इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग सम नेगेटिव रेटिंग्स. बिकॉज ऑब्वियसली एक बार आप एक चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो तो उसके बाद वापस से दूसरी चीज़ पे जाना मुश्किल हो जाता है. पीपल गेट यूज टू वर्क फ्रॉम होम एंड जब उनको वापस जाना पड़ रहा है दे आर गिविंग सम नेगेटिव फीडबैक्स. चलिए हमने ये सब जान लिया कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, कंपनी के पर्क्स क्या क्या होंगे, ग्रोथ कैसी होगी एंड रेटिंग्स क्या क्या है. बट अब ये भी जानना जरूरी है कि अमेजोन काम क्या करता है. आपको ये तो पता ही होगा कि अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट इसके साथ साथ अमेजोन के और भी बहुत सारे वर्क फ्लोज हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करता है. तो चलिए जानते हैं एक एक करके. अमेजोन इज अ ग्लोबल टेक जाइंट एंड इट प्रोवाइड्स AWS, Amazon Web Services, जो कि Amazon का one of the most evolving product है. Amazon also has digital streaming platforms like Amazon Prime and Amazon Music. Amazon also makes devices like Alexa, जो कि artificial intelligence पे काम करते हैं. 1994 में Jeff Bezos ने Amazon की शुरुआत करी थी as a online book selling store. And देखते-देखते Amazon इतना बड़ा हो गया, it became one of the world's largest tech giant. Amazon Web Services आपको पता ही होगा,
In fact, we also use Amazon Web Services to host our platforms, to host our websites. इसी तरीके से AWS के बहुत सारे clients हैं. चलिए अब जानते हैं कि Amazon के offices कहाँ कहाँ हैं. Amazon के headquarters Seattle, USA में है और globally 2024 के data के हिसाब से Amazon में 1.6 million से भी ज़्यादा employees काम करते हैं. India में Amazon के काफी बड़े operations हैं, जिसमें Bangalore, Hyderabad, Chennai, Pune, Mumbai और Gurgaon जैसे major cities में offices शामिल हैं. अब क्योंकि Amazon एक global company है, यहाँ पर आपको exposure बहुत ज़्यादा मिल जाता है. You work with clients from different companies. In fact, जिन टीम के साथ आप कोलैबोरेशन करोगे वो भी हो सकता है कोई टीम चाइना में हो, कोई यूएस में बैठी हो, सो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा. इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज कुछ टाइम इंडिया में काम करने के बाद जो सिएटल वाला ऑफिस है वहां भी ट्रांसफर ले लेते हैं. हर साल इंडिया में अमेज़न में बहुत सारे फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, एंड इफ यू कंपेयर विद माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल तो अमेज़न की जो हायरिंग है वो हमेशा ज्यादा रहती है. 2023 में काफी गिरावट आई थी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड रिसेशन, बट 2024 में चीज़ें पिकअप होना स्टार्ट हो गई एंड एट द एंड ऑफ 2024 काफ़ी अग्रेसिवली हायरिंग हो रही थी. इनफैक्ट 2025 में भी अभी भी ओपनिंग्स हैं जैसा कि मैंने बताया, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर ओपनिंग्स. बाकी Amazon जो है आई होप कि ऐसे ही आगे भी हायर करता रहे एंड बहुत सारे फ्रेशर्स को जॉब देता रहे. अब हायरिंग पे आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं कि Amazon हायर कैसे करता है. सबसे पहले बात करते हैं ऑन कैंपस हायरिंग की. तो पहले Amazon सिर्फ टीयर वन कॉलेजेस में आता था, जैसे कि आपके IITs, NSIT, DTU एंड कुछ NITs. But because of their high demands, because of their high hiring, they have started going to tier 3 colleges as well. बहुत सारे tier 3 colleges में भी अब Amazon ने जाना start कर दिया है. लेकिन यहाँ पर जो hiring pattern है वो पहले से थोड़ा सा change हुआ है. पहले they used to hire interns and full-time employees. But now their main focus is to hire interns. Final year के जो students होते हैं उनके final semester में they offer them internship, 6 months internship. एंड इस इंटर्नशिप के बेसिस पे दे गिव प्री प्लेसमेंट ऑफर्स और फुल टाइम ऑफर्स. ये जो 6 महीने होते हैं इसमें अमेज़न को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जज करने का कि ये जो एम्प्लॉई है ये क्रेडिबल है या नहीं है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू फायर अगेन. अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग भी करी थी जस्ट लाइक अदर टेक जाइंट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन, बट दे डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट. ऑब्वियसली नो कंपनी वॉन्ट्स टू रिपीट इट. दैट इज वाई दे जज एन एम्प्लॉई टू द एक्सटेंट कि उनको पता चल जाए कि भाई ये बंदा क्रेडिबल है. चलिए अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की. हायरिंग प्रोसेस यूजली एक ऑनलाइन असेसमेंट से स्टार्ट होता है जिसमें DSA के लगभग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. उसके बाद एक बिहेवियरल टेस्ट होता है जिसमें क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं अराउंड कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो या प्रेशर में कैसे काम कर सकते हो. ये इसलिए क्योंकि Amazon एक बंदे की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, विच इज़ कॉल्ड लीडरशिप प्रिंसिपल्स. इवन जो Amazon के इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. ऑनलाइन राउंड क्लियर करने के बाद 1 से 2 टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं ऑफ अराउंड 45 मिनट्स ईच. इन इंटरव्यूज में मेजरली यू विल फेस DSA बेस्ड क्वेश्चंस. इंटरव्यू का जो लेवल है वो मॉडरेट रहता है एंड दे बेसिकली आस्क यू लीड कोड क्वेश्चंस जो कि मोस्टली आपके लीड कोड के मीडियम या फिर समटाइम्स हार्ड क्वेश्चंस में से होते हैं. कैंपस प्रोसेस के 2 बेनिफिट्स हैं. पहला कि आप लोग एक लिमिटेड पूल में ही कम्पीट कर रहे हो, सो इट बिकम्स अ लिटिल ईजी टू क्रैक द इंटरव्यूज. एंड दूसरा, एक बार अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया एंड दैट केम थ्रू योर कैंपस तो कंपनी का कैंपस के साथ ना एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है. कंपनीज डोंट वॉन्ट देम टू गेट ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम द कैंपस. तो बेसिकली वो आपका जो ऑफर है वो रिवोक नहीं करते हैं इतनी आसानी से, बिकॉज दे नो कि अगली साल भी उनको हायरिंग के लिए इसी कॉलेज में आना है, यहाँ से उनको बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं. अब बात करते हैं Amazon के ऑफ कैंपस प्रोसेस की. तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो लगभग सेम रहता है. एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपके टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स होंगे जिसमें मोस्टली आपसे DSA पूछा जाएगा एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस जो Amazon के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. बट यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज everyone is competing against you, जितने भी ऑफ कैंपस लोग हैं. एंड बहुत सारे कॉलेजेस में Amazon विजिट नहीं करता है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके साथ कम्पीट करेंगे ऑफ कैंपस. एंड डोंट अंडर एस्टिमेट कि एक टीयर 3 का जो स्टूडेंट होगा उसकी कोडिंग अच्छी नहीं होगी. बहुत अच्छे कोडर्स आते हैं टीयर 3 से, 6-star कोडर्स, 5-star कोडर्स, एक्सपर्ट्स, कैंडिडेट मास्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स आते हैं. सो यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो जाता है बट प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है. इसके लिए आपको क्या करना है, करियर पोर्टल पर जाना है एंड फ्रीक्वेंटली वहाँ पर पोस्टिंग्स आती रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए, डिफरेंट रोल्स के लिए. वहाँ पर एक जॉब आईडी मेंशन होती है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर. इफ़ यू वांट टू गेट रेफरल तो आप लोग लिंक्डइन पे Amazon के एम्प्लॉयज़ को रीच आउट कर सकते हैं. जो पोर्टल पे जॉब आईडी मेंशन है एम्प्लॉई को बता करके यू कैन आस्क फॉर रेफरल. एंड व्हेन यू आस्क फॉर रेफरल तो आपको कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं या फिर आपको इतनी इतनी नॉलेज है. यू विल हैव टू राइट इट इन अ शॉर्ट मैसेज. नेक्स्ट आता है हमारा समर इंटर्नशिप. अब समर इंटर्नशिप 2 महीने की होती है. इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है both on campus and off campus, and difficulty level of the questions and interviews वो भी लगभग सेम रहती है. एंड 2 महीने के इंटर्नशिप पे आपको जज किया जाता है. बेस्ड अपॉन दैट यू गेट एन ऑप्शन फॉर अ फुल टाइम ऑफर. एंड अभी क्योंकि फुल टाइम ऑफर डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं तो यू गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट 6 months इंटर्नशिप आफ्टर दिस इंटर्नशिप. एंड 6 months इंटर्नशिप आप लोग करोगे उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर दिया जाएगा. Amazon के पास गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, Amazon वाओ वुमेन ऑफ द वर्ल्ड.
इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट इट केयरफुली. Amazon also hires via coding competitions, and one such coding competition is Amazon Hackon. Amazon Hackon is a hackathon for pre-final year and final year students. जिसमें Amazon आपको एक real world problem provide करेगा, and you have to solve that real world problem. And based upon this, they also hire full time. This happens through Unstop. Through this, Amazon automatically reaches out to the student who participated to loop them into the hiring process. And आगे के process same होते हैं, like normal hiring for 2 months and 6 month SD internship. Next program is Amazon ML Summer School. This is for data science students. Although ये SD role से related नहीं है, but ML Summer School एक specialized initiative है जो machine learning enthusiast को ML के concepts और practical applications पे hands-on experience देता है. Students enrolled in this program usually get a 2 month internship opportunity for a role of applied scientist intern. The hiring process is similar to SD roles only. चलिए हमने Amazon के बारे में सब कुछ जान लिया. Let us also know about the exit process of Amazon. Amazon join करने के बाद उसको छोड़ना कितना मुश्किल और आसान है. तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है. यू जस्ट हैव टू डिस्कस विथ योर मैनेजर, देन राइट एन ऑफिशियल ईमेल टू योर मैनेजर. ही विल ट्राई टू कन्विंस यू, बट यू विल ऑलवेज हैव अ बेटर रीजन टू लीव. यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर, और मे बी यू वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहता है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं रोकता है यहाँ पर. जस्ट आपसे फीडबैक्स ली जाते हैं, HR also takes the feedback. You have to serve a notice period. आपके पास जो भी pending काम होगा, documentation का, किसी को handover करना होगा वो, for that you have to serve a notice period of 30 days. But अगर आप L6 जो level है उससे ऊपर है, फिर L6 पे हैं, तब आपको 60 days का notice period serve करना होगा. And it makes sense also, जितना आप ज़्यादा senior हैं उतनी ज़्यादा responsibility होती हैं जो आपको delegate करनी होती हैं दूसरे employees में. Last working day पे आपसे आपके सारे gadgets वगैरह ले लिए जाते हैं, and हो सकता है आपकी team आपको एक party भी दे while you are leaving. Amazon में rejoining जैसी कोई such policy नहीं है. एक बार छोड़ने के बाद आपको 6 महीने का cooling period ज़रूर serve करना पड़ेगा. Within 6 months you can't join the company. But unlike Google, जैसे Google में क्या होता है कि 1 साल तक आप बिना interview के join कर सकते हो. But in Amazon, you can't join without interviews. You will have to go through the normal process to join Amazon again. That's it about Amazon. I hope you liked the video. Video पसंद आई है तो definitely comment कर देना कि आपको किस company का analysis चाहिए next. And if you're liking all these analysis, मैंने पहले भी 2 बना रखे हैं, TCS पे and Google पे. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना. यू लाइकिंग दिस सीरीज, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.